कोचिंग की में तो रोज जाते हैं, आज नोवो में शोर मचाते हैं, कंटेनर पर रखकर कदम पूरा नोवो हिला देंगे, जो भी बंदा बचकर भागने की सोचेगा उसका सबसे पहले चलान कटवा देंगे, नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूँ तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो भाइयों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, कुछ ऐसे किल हुए हैं भाई आपको देख कर मजा आ जाएगा, और हमें जो है भाई नोवो में आज जाते ही मिल गई गन, और अब करते हैं भैया थोड़ा सा फन। और अब इस डैमेज का बदला इनकी पूरी स्क्वाड की पेटियां चमका कर लेंगे, पहले अगले वाले को टपका लेते हैं फिर इनको आशीर्वाद देंगे। और अब इसके पेट में दर्द हो गया था भाई, दो डिप्पी की गोलियां लगते तो उसके पेट का दर्द तो हमने कर दिया भाई ठीक, परमानेंट इलाज कर दिया। अब ये नोक हुआ था तो भाई इसके टीममेट भी थे यहाँ पर, और इस अपराधी का भाई शायद मन नहीं कर रहा था भाई चलान कटवाने का, लेकिन भैया अब अपराध किया तो सजा तो मिलेगी, और मेरे पास हेलमेट नहीं था तो मैं नकली किल चोर को बोलता हूँ कि भैया आजा मेरे पास हेलमेट नहीं है नहीं तो मेरी पेटी चमक जाएगी, और अब इसका चलान काटेंगे भाई। और ये होते हैं भाई गद्दार टीममेट, इसके टीममेट को तो मैंने भाई पेट के दर्द की दवाई दे दी और ये 9-2-11 होने की सोच रहा है। और इस कलाकार का तो भाई हमने प्रमोशन कर दिया, और इस एंगल में भाई कलाकारों की कमी नहीं है, तो ये भी एक कला है, किल चुराना एक कला है भैया, और दूसरों के नोक के बंदे की हम पेटी चमकाते हैं इसलिए लोग हमें किल चोर बताते हैं। अब उसका भी भला कर दिया मैंने और इसका तो कर ही दिया था, तो दोनों के किल मुझे ही मिल गए, और अब जो है और बंदों को ढूंढते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते और फिर निकलते हैं यहां से। और ये बोटनी देखो भाई क्या ही सज धज के आई थी, बिल्कुल लीजेंडरी आइटम पहनकर घूमने लग रही थी, इसकी तो विदाई कर दी यहां से। और अब जो है नकली किल चोर भैया जो है हमें भाई 6x देते हैं, तो अब अगले शिकार के लिए निकलते हैं भाई। और यहाँ पर भाई इनके नेड से एक बंदा नोक हो जाता है, और थोड़ा बहुत दुख होता है हमें भी, एक किल निकल गया भाई हाथ से। थोड़ा टाइम जरूर लगा पर यहाँ सबकी खोपड़ी भटका दी, आज नोवो में भाई 7 की पेटियां चमका दी। अब आगे चलकर शोर मचाएंगे, देखते आज कौन कौन अपना मोर बनवाएंगे। और वहां पर भाई बोट भाई साहब आए हुए थे, लेकिन मैं गया नहीं, और मैं कभी भी भाई बोट के पीछे ऐसे नहीं भागता उनको टपकाने के लिए, अगर आगे मिल जाता तो भाई बोट बोटनी को हम टपका देते हैं, वैसे भाई उनके पीछे पीछे नहीं भागता मैं, उनको कुत्ते की मौत नहीं मारता भाई मैं कभी भी। और आप में से भाई बहुतों को पता कि मैं पहले शायरियाँ लिखता था, 6-7 महीने पहले जो है बहुत सारी शायरी लिखी है मैंने, तो 6-7 महीने के बाद ना कल मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक साइड शायरी डाल दी भाई, और कुछ भाई ये बोलने लग गए कि भाई तुम्हें तो किसी ने धोखा दिया है, ये हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन करता भाई शायरी लिखने का, और ऐसे ऐसी शायरी लिखने में भाई मुझे मज़ा आता है, तो इंस्टाग्राम पर डाली थी मैंने कल एक शायरी, तो देख लेना भाई अगर आप देखना चाहते हो तो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे हरियाणवी में है शायद भाई आपको समझ में ना आए, और अगर बोलते हो तो लो भाई सुना भी देता हूँ। के सोचा है ओ बिखर गया
रे पागल, मैं खुद उस साइड से रियली दुनिया तक बाहर निकल गया। मने पता है तू आज भी किसी और ने लव यू बोल दे है, तेरा काल जा छोल दे। आज भी इसी सी बात लिख दूं मैं, पर मने मेरी आत्मा रोक दे है। तो भैया ये शायरी थी, और ऐसी ऐसी मैंने बहुत सारी डायल ली हुई है, तो सुन लेना भी आगे जाकर भैया कुछ का मोर बनाते हैं। और यहाँ पर तो भाई इनको टपका दिया, सरप्राइज गिफ्ट दे दिया भाई इनको। अब मैं बच गया, ये वाला बंदा किसी और को मारने में लगा हुआ था, वैसे मेरी हेल्थ कम थी तो बच गए भैया। अब यही चाहिए, मैं और क्या चाहिए। तो दो नंबर के पेट में दर्द हो गया था भाई, तो पहले यहाँ पर स्मोक करते हैं ताकि इनका इलाज किया जा सके। तो हमारे नकली किल चोर भाई देखो रिवाइव देने लग रहे हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं। सामने भी बंदे थे और यहाँ पर अब तबाही मचाने वाले हैं, लेकिन देखो भाई नकली किलचोर भाई ने 4-5 एनर्जी ड्रिंक ज्यादा पी ली तो चढ़ गई इनको। कितने पेट के बचा रह गया मैं। कभी कभी किल फील्ड में हम नाम ही नाम चमका देते हैं, और इन दो चुन्नू मुन्नू को तो हम हर मैच में भटका देते हैं। तो भाई यहाँ पर मजा आ गया इनकी पेटी चमका कर। दूसरे वाला बंदा किसी और को मारने लग गया था आधा डैमेज मुझे देकर, तो ऐसी गलती मत किया करो, जिसको मार रहे हो उसी को मारते रहा करो। अब ये ना उसको मार पाया ना मुझे, और मैंने उसकी पेटी चमका दी। अब यहाँ पर भाई तीन ही बंदे बचे हुए हैं, तो देखते ये किसके खाते में आते हैं भाई। और यहाँ पर सरकारी ड्रॉप पड़ा हुआ था, तो बंदे भी यहीं कहीं पर हो सकते हैं भाई, क्या पता हमारा इंतजार कर रहे हो कि कौन सरकारी ड्रॉप लूटे और हम उसको भाई रिटायर कर दे रेंगल से। Marked a location. दूसरी मंजिल पर नेड कर। और जब मैं बिना मंत्र के नेड फेंकता हूँ तो भाई कोई भी नहीं भटकता। तो अब मंत्र पढ़ते हैं, पेन किलर खाने से किल चोर के दिमाग की बत्ती जल जाए और इस मोली से बंदों में आग लग जाए। लग गई भाई आग। चल 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 चल, चल, चल। और ये देखो भाई नाम किट्टू, कन्या लग रही थी भाई, वैसे कन्या भी किसी से कम नहीं है। और दोनों ने ड्रॉप लूटा हुआ था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में गोला बारूद था भाई इनके पास, और हथियार भी खतरनाक थे। ये दोनों के दोनों भाई रैंगल में तबाही मचा सकते थे, तो किल चोर ने भाई रैंगल को बचा लिया, रैंगल की रक्षा की भाई ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक दुश्मनों से। और अब एक लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था जिसे हम बहुत देर तक ढूंढते रहते हैं भाई, और लास्ट वाले बंदे को ढूंढना ना बहुत बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, और अगर इसको फंस गए ना ये हमें पूरा ही खा जाएगा। Thank you.
और अगर आपको अब लग रहा है कि भाई इसको ये बंदा कैसे दिखा, तो एक बार थोड़ा सा बैक जाकर देख लेना। जब मैं जंप करने लग रहा था ना, तो मुझे लगा कि भाई दाढ़ में कुछ काला है, तो भाई मैंने वो काला निकाल कर फेंक दिया और हमारा डिनर हो गया। तो उम्मीद आज की गेम प्ले वीडियो जो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला होगा। भाई अगर मज़ा आया हो भाई आज की वीडियो में, तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और बेल आइकन भी दबा दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।